कुर्बानी ईद उल अजहा के मौके पर आम मुसलमान अपने अपने इलाकों में और हज को जाने वाले लाखों इंसान मीना के कुर्बानी गाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो जानवर ज़बह करते हैं उसे कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी सुन्नत है, जो मुसलमान भी इस्तेदात रखता हो उसे इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी कुर्बानी ऊँट की होती है, अल्लाह ताला फरमाता है, और कुर्बानी के ऊँट जिन्हें हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियाँ बनाया है तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, लिहाजा कुर्बानी के वक्त जब वो पांव गंदे खड़े हो तो उन पर अल्लाह का नाम लो और नहा करो, फिर जब वो पैरों के बल गिर जाए तो तुम उनका गोश्त खाओ और इनायत पसंद और सवारी दोनों किस्म के मोहताजों को खिलाओ। इसी तरह हमने इन चौपाइयों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी तरह उसने इन चौपाइयों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें इतनी हिदायत दी, और ऐ रसूल आप नेकी करने वालों को बशारत दीजिए। जो मुसलमान भी कुर्बानी करना चाहता हो वो अपने बाल और नाखून कुर्बानी के ज़ुबा होने तक ना कटवाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अज़ल और ज़ुलहज का चांद देखने के बाद जो आदमी भी कुर्बानी का इरादा कर ले वो अपने बाल और नाखून कुर्बानी के ज़ुबा होने तक ना काटे। हाजी पर बाल और नाखून वगैरह काटने की पाबंदी अहराम की बाकी पाबंदियों के साथ शुरू हो जाती है। कुर्बानी के जानवर ये हैं: बैल, गाय, बैल, भैंस, दुब्बा, बकरा और बकरी। एक गाय और एक बैल की कुर्बानी में 7 अफराद अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और एक ऊँट की कुर्बानी में भी 7 अफराद अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बशर्ते कि उसने कुर्बानी की नीयत की हो।